मैं बना लू अभी, तुम बोले ना तेरी छुट्टी है, मैं बजे की छुट्टी है। मम्मी बोले कि दूध फट गया है तो उसका कुछ कर, अभी मैं फेंकूंगी कैसा, तो ये पूरा दूध हमारा फट गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए। तो हो गई है नेक्स्ट डे, तो आज हम लोग बना रहे हैं भूना गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, जो हम लोग खाने वाले हैं पाव के साथ। आप चाहे तो पाव के साथ खाओ या पराठे के साथ खाओ, पराठे के साथ या रोटी के साथ, आपकी मर्जी है। मैंने राइस थोड़े से चढ़ा दी वैसे, क्योंकि मेरे डैडी को, मुझे राइस के बगैर नहीं चलता है। तो अभी भुना गोश्त के लिए हमको क्या क्या लगेगा, हम बिना हड्डी का गोश्त ले लेंगे, यहाँ पर बोनलेस मतलब है ना, बोनलेस गोश्त ले लेंगे। इसके अंदर लेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नॉर्मल देगी लाल मिर्च जो रहती है वो, नमक, जीरा, धनिया और जीरा पाउडर मिक्स, हल्दी और ये गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, दही और कोथमीर। ठीक है, तो अभी तेल गरम करने रखे हैं, तेल के अंदर हम डाल देंगे गोश्त, ये प्याज, मैं प्याज डाल देंगे और ये जब तक गोश्त के अंदर हम ये दही और ये मसाले सब जो है ना वो मिक्स कर देंगे गोश्त के अंदर, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और बेबी लाल मिर्च दोनों मिक्स है तो देख कलर देखा कलर पकड़ता माशाल्लाह। अभी इसको ये प्याज को फ्राई हो जाएगा ना, इधर अभी का आते चक्कर में यहाँ तेल उड़ा, तो तू इतना नजदीक भी मत आना बेटा, लग जाएगा ना। इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, जीरा और प्याज दोनों मिक्स था इसमें, थोड़ा सा फ्राई रहेगा ना, तब हम ये डाल देंगे मसाला। बिस्मिल्लाह अल्लाह हबीबी, ऐसा नहीं बोलते कोई भी चीज, बिस्मिल्लाह बोलते ही डालनी चाहिए, समझा? हाँ, बिस्मिल्लाह से स्टार्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह से एंड। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खाने के लिए शुक्र करते हैं अल्लाह का, ऐसा मिक्स कर देंगे। देखो अब ये जो मसाला है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसके दो सीटी लगा देंगे हम, बारीक आंच, नॉर्मल मीडियम आंच का मतलब एकदम बारीक। तू चमचा हिलाने के लिए कोशिश करना खाली, ये देख कितना, क्योंकि दही का भी पानी छूटेगा और वो भी नाइस। ये देख इस तरीके से देखा, ये इस टाइप से कुछ हमें दो सीटी लगा देंगे इसका, ढक्कन देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा पूरा बन रहा है, बस बस यही ना, इसको दो सीटी बना दे। माँ अपनी कुकर की सीटी नहीं, मम्मी है ना, आया भैया आ गया ना, आया जादू ढूंढ, अभी इसको पकने देंगे उसके बाद मिलते, ठीक है? हाँ, दो सीटी हो चुकी है तो अभी हम खोल के देख लेते हैं कि कैसा बना है, और आपको भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर कुकर आ रहा है, ये देखो ये माशाल्लाह से ऐसा हो चुका है। अब ये जो बोटी है उसको मैश कर देंगे अच्छे से चमचे की मदद से। देखो तो लेकिन जरूरत नहीं बोटी, अच्छा। तो मसाला हो गया, बोटी का मसाला होगा, अभी तेल मिला दे, सुखा देना बस ऐसा। अभी इसको और थोड़ा सुखा कर देंगे और कोथमीर से गार्निशिंग कर देते हैं, और ये हमारा भुना गोश्त तैयार। तवे में डालना है, तवे में डालू? हाँ तवे में, ये तो फ्रंट में, क्यों तवे में सुखा करूं? हाँ तो कुकर है तो तवे का टेस्ट आता ना, तो प्याज और वो नहीं करूं? नहीं क्या जरूरत नहीं, सुखा गर्म करके कड़कड़ा करके डाल दे। सो गाइस अभी ये हो चुके हैं हम लोग इस शहर, और अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं, अकबर, नैना और लड़का, हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो चलो अभी आ जाए नमाज पढ़ने, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस ये देख लो, ये रमजान के टाइम पैसा दिखता है, और अरकान उन लोग सब वहाँ पे, हम लोग की नमाज़ हो चुकी है, तो अभी हम लोग की नमाज़ हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे घर पे, कुछ लोग जाते करते फिर आपसे घर पे अभी डायरेक्ट। गाइस इफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो आज इफ्तारी की मेरी छुट्टी है, मम्मी बोले ला मैं बना देती हूँ, क्योंकि दानिश नौशीन भी गए हैं उनकी मम्मी डैडी के यहाँ रोज़ा खोलने के लिए,
तो अभी हम लोग हैं तो फिर आज इनका एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी पढ़ाई कराने की थी, तो मम्मी बोले ला मैं इफ्तारी का सामान बना देती हूँ, तू तेरे है ना बच्चों को पढ़ाई करा दे। तो ये देखो मम्मी बना रहे, क्या बनाते पूछ लेते हैं उनसे। कुछ रोज चिकन खा कर चंदा ला रहा है ना। हाँ बटाटे के कांदे के भजिए बना रहे। अच्छा सिर्फ कांदे बटाटे के भजिए बना रहे, यहाँ पे बना रहे चिकन चिली बना रहे। मैं बना लू अभी, तुम बोलो ना तेरी छुट्टी है। मैं भजिए की छुट्टी से मुँह खराब होता है गोश्त। अच्छा इसके लिए ठीक है, तो रात को चिकन चिली जैसा बना रहे। भाई अभी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे भजिए बनाते और डैडी भी बाहर बैठे बैठे क्या करते बता देते हैं। संदेश के पास। हाँ अब्बा क्या कर रहे तुम? मैं मोबाइल खेल रहा हूँ। फ्रूट्स लेकर आ गए? हाँ लेकर यहाँ पे डैडी फ्रूट्स लेकर आ गए हैं। पाइनएप्पल बनाना। अच्छा सब लेकर आ गए। सो गाइस अभी मिलते हैं बाद में आपसे। तुम क्या कर रहे हो? अरे अभी अपना इफ्तारी वगैरह हो गई, तरावी सब हो गई ना। हाँ तो मम्मी बोले कल जो बनाने का है ना वो अभी से ही कर दे, बोले कि आज जैसे तबीयत थोड़ी सी नरम गरम थी, इफ्तारी में कुछ समझ में नहीं आता क्या बना रोज रोज ना, तो ये चिकन क्रिस्पी का ट्रेक पड़ा है और अभी तो मैगी बना के खा ली है। मैगी मतलब टॉप है मैंने ऐसा, तो ये मैं क्रिस्पी चिकन का मैंने रेसिपी डाल चुकी हूँ, तो ये थोड़ा सा मसाला चढ़ा दिया उसके अंदर और ये पनीर है, पनीर को इसको दोनों को यानी ग्रेट मसाला चढ़ा के रख देती हूँ। पनीर टिक्का भी बन जाएगा, चिकन क्रिस्पी भी बन जाएगा। तो यही मसाला जो बचेगा ना उसी के अंदर यानी उसको वो चढ़ा देंगे, क्या बोलते हैं मसाला, फिर रख देंगे ताकि चल लेना फिर फ्राई करने को ही दे। गाइस हम लोग को गाइस आप लोग गाइस जो भी बोलेंगे ना हम लोग को गाइस वो रेसिपी बनाना आती है। हम पानी पूरी तो आती है, पहले क्रिस्पी चिकन के बड़े बड़े लंबे लंबे पीस किए थे ना, अभी लंबे लंबे पीस नहीं है, ये चिकन बाइट्स जैसे पीस करेंगे ऐसा छोटे 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 ताकि पानी पूरी ऐसा एक बारी में सब मुंह में आ जाए। हमें छोटा छोटा मुंह में आ जाएगा। देखो पहले अपना ये बैटर लेना है, पहले गरम गरम ही अच्छी लगी, मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगी। देखो पहले बताओ सब चीज ना, ये देखो क्रिस्पी बना रही, कल बनाएगी फ्रेंड चिकन, फ्रेंड चिकन पनीर भी मैरिनेट करके रख दी, इसका कुछ और करेंगे, पनीर टिक्का बना रही है, देखेंगे भजिया या पकौड़ा बना रही है पनीर का सालन बन जाएगा। मम्मी बोले कि दूध फट गए तो उसका कुछ कर, अभी मैं फेंकूंगी कैसा, तो ये पूरा दूध हमारा रसगुल्ला बना देते ना मम्मी, तो इसको रसगुल्ला खाना है, तो पहले इसके लिए ना पहले पनीर इसका दूध का फटे दूध का पनीर बनाना पड़ेगा, अभी पनीर बनाने का टाइम नहीं है। नहीं अभी पनीर बनाती हूँ। बना दे? हाँ अच्छा बच्चे लोग के लिए ना, इसके लिए बच्चा तो तू भी है भाई। नहीं मैं बड़ा, मेरे लिए तो बड़ा बच्चा ही है, तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़ा भाई, तब इसको पनीर बनाने का है, तो पनीर बनाने के लिए हम पहले नींबू डाल देंगे और उसको बॉईल होने देंगे, फिर छेना अलग पानी अलग, छेना छेना मतलब जो पनीर का जो मेन रहते हैं ना मलाई, मलाई मतलब पानी रहती है, पानी दूध में पानी रहते है ना वो अलग हो जाता है। नहीं भाई मैं मलाई बोलूंगा, तो वो अलग हो जाएगा, उसके बाद उसको बड़े कपड़े यानी वजनदार चीज से वो कपड़े को ढाक देना है फिर बनाना है। तो मैं पूरा अभी पूरी रेसिपी तो नहीं बता रही क्योंकि सबको मालूम है और वीडियो बहुत। गाइस पहले मैं एक बात बोलता हूँ, गाइस ये दूध है गाइस, अगर तुम्हारा फट गया तुम डायरेक्ट मत बनाना, अंदर नींबू डालना क्योंकि आधा फटे फिर पूरा फटेगा, फिर पूरा फटेगा, तो नींबू डालना या नींबू का रस डालना, फिर बाद में अच्छे से दो तीन पानी से धोइए ना तो उसकी खटास निकल। अगर तुम ऐसा डायरेक्ट नींबू डाल देगी ना काट के, देखो तो सब पता है ना, तू तो मेरा शेफ है ना, एक काम कर तू ही बना ले, आ जा मेरा बच्चा आ जा। गाइस अगर आप डायरेक्ट नींबू डाल देंगे ना काट के तो फिर गाइस दूध में दूध रसगुल्ले में जो अपन खाते तो मुंह में खटास आती है ना थोड़ी बहुत, वो नहीं आएगी समझे। ठीक है बच्चा, ठीक है शेफ सब समझ गए, तो आप एक काम करो आप ही आके बना लीजिए, मैं कुछ ही बोलती हूँ मैं आ जाओ तो ये बस बनाएंगे तो फिर गाइस अभी बनाएंगे और मिलते हैं, तो फिर गाइस अभी बनाएंगे और मिलते हैं आपके बाद में, टाटा। गाइस मैंने पनीर बनाने के लिए रख दी हूँ और मैं आपको कल मॉर्निंग में बताऊंगी कि उसका शेप कैसा हुआ है, अभी फिलहाल बता देती हूँ मैंने कैसा जुगाड़ सिस्टम करी हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो ये छन इसके नीचे तपेली खाली रखी हूँ, ये देखो खाली तपेली, उसका पानी निकल रहा है,
और इसके अंदर छन्नी के अंदर ये पनीर रखी हूँ, उसके ऊपर ये पत्थर जो मैंने अजमेर शरीफ से लाई थी उसके रख दी, वजन वाली चीज रखना है इसलिए। कल शेप कैसा आता है और मैं इसका रसगुल्ला कैसा बनाती हूँ वो आपको मैं कल बताऊंगी, ठीक है? तब तक आप वेट करो।